दमवर किनी टाइम्स। दिल्ली के नेबसराय इलाके में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी, फिर बेटा बेटी पर भी वार करके हत्या करने की कोशिश की। बेटी ने घायल होने के बाद खुद को कमरे में बंद करके अपने आप को बचाया और तुरंत पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। हालांकि इस मामले में बेटी और बेटा घायल हो गए, वहीं पति ने भी अपने हाथ की नस को काटकर जान देने की कोशिश की। इस मामले में पत्नी की मौत हो गई, वहीं दोनों बच्चों का इलाज एम्स के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। बेटी LLB की तैयारी कर रही है तो बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। इस मामले में DCP साउथ चंदन चौधरी ने बताया कि आज सुबह इस मामले की सूचना मिली थी। पुलिस को कॉल करने वाली लड़की ने बताया कि उसके पिता ने माँ और भाई पर भी हमला कर दिया है, वह खुद भी घायल है और उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत PCR की टीम के साथ लोकल थाना की पुलिस टीम इंदिरा इंकल पहुंची। मौके वारदात पर एक महिला खून से लथपथ हालत में बेड पर पड़ी हुई थी, उसकी गर्दन पर कई जख्म थे। कॉल करने वाली उस महिला की बेटी के गले पर भी जख्म के कई निशान थे। वहीं पर एक युवक भी मिला जिसके माथे पर और गर्दन पर जख्म के निशान थे। उन दोनों ने बताया कि उनके पिता विजयवीर ने उन सब पर हमला किया है। पुलिस टीम ने देखा कि विजयवीर ने भी अपने बाएं हाथ की कलाई को काट कर घायल कर लिया था। चारों घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसकी पहचान सुमन के रूप में हुई है। जबकि तीनों घायल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि विजयवीर की शादी सुमन से 1992 में हुई थी। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। घटना जी आज सवा 6:30 बजे तकरीबन मालूम पड़ा जब पुलिस आई। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था कि घर में क्या हुआ, क्योंकि ये लोग बंद करके रखते थे, किसी के साथ आना जाना वो बिल्कुल भी एक मतलब मोमेंट नहीं था। बट उसके बाद जब पुलिस आई तब मालूम पड़ा है। क्या पता चला? अरे भाई, उसकी बीबी को चोट लगी है और उसको उसके बच्चों को भी। तो जैसे पुलिस एम्बुलेंस में उसके बीबी को भी और खुद उसको विजयवीर को लेकर चले गए। ये लोग मूलतः उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं। शादी के बाद विजयवीर और सुमन दिल्ली आकर नेबसराय इलाके में रिलेटिव के घर रहने लगे। बाद में इनके बीच घरेलू मामलों को लेकर अक्सर विवाद होने लगा। आरोप है कि विजयवीर सुमन को यह कहकर अपशब्द बोलने लगता था कि शादी में उसके परिवार वालों ने कुछ नहीं किया। सर, हमें लगभग 6:15 बजे के करीब जब पुलिस की गाड़ी यहाँ आई और जब यहाँ काफ़ी भीड़ सी इकट्ठी हुई, हमने 6:15 बजे के करीब तब देखा, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो उनको जाने के बाद मैं सबसे पहले इधर आया। यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और अंदर जो वारदात हुई थी उनसे हमने पूछने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला कि अंदर कुछ पारिवारिक कुछ हुआ इनमें आपस का। तो उसमें जब लोगों से यहाँ सब पता लगा तो उन्होंने मौके पे बताया कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उनके बच्चों की भी तबीयत खराब है, तो उनके बेटे को कपड़े में लपेट के लेके गए थे, उसके सर्वर में कुछ चोट थी शायद। बाद में यह भी पता चला कि विजयवीर की किसी दूसरी महिला के साथ दोस्ती हो गई है, जिसकी वजह से वह फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहा। जब इस बात का सुमन ने विरोध करना शुरू किया तो घर में विवाद बढ़ गया और विजयवीर अक्सर वाइफ की पिटाई कर देता था। दोनों बच्चे इस बात को लेकर माँ का सपोर्ट करते थे। करीब 6 साल पहले भी इस मामले को लेकर घर में झगड़ा हुआ था। इसमें गोली चलाकर विजयवीर ने परिवार को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें बेटा शशांक घायल हो गया, जिसकी FIR मैरोली थाने में दर्ज है। इस मामले में विजयवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। बाद में फैमिली मैटर को लेकर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। जेल से बाहर आने के बाद भी विजयवीर अपनी फैमिली को अटेंशन नहीं देता था। आज सुबह भी उसने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या करने की कोशिश की। जब उसकी पत्नी सो रही थी तब उसने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद दूसरे रूम में सो रहे बेटी और बेटे के पास जाकर उनकी भी हत्या करने की कोशिश की। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जय भगवान सिंह है। जय भगवान जी, आपके यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई, क्या पता चला आप लोगों को, किस तरीके से? हमको सुबह जब पुलिस आई है तभी पता चला है कि इतनी गाड़ियाँ पुलिस की किस लिए आई है, क्या हो गया, तब पता चला कि यहाँ घर के अंदर ऐसे ऐसे कुछ कहानी हुई है आपस में जो है। किसने कॉल करी पुलिस को? क्या आप लोगों ने बताया था कि कोई मेड? नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला। शायद सुनने में आया कि उसकी लड़की ने ही बताया कि लड़की की पोजिशन थोड़ी ठीक थी, उसी ने किसी रिश्तेदार को फ़ोन किया, वही आए थे रिश्तेदार। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।